बिस्मिल रहीम टुडे वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्ट्रेटजीज एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज वी आर टॉकिंग अबाउट जिसमें हम एक लेटेस्ट लेवल की जो करंट यूज़ हो रही हैं एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज कर रहे हैं मेक श्योर यू स्पेंड टाइम एंड लर्न देम बियर स्प्रेड स्ट्रेटजी के हम लेके बात करेंगे व्हाट इज़ इट हाउ इट्स लेट जस्ट गोइंग टू सी दैट गोइंगटीन कॉम्पोनेंट्स की हम अगर बात करें बियर स्प्रेड स्ट्रेटजी फर्स्ट वी नो व्हाट आर दीज कॉम्पोनेंट्स एंड देन वी कैन

शिकार को मारता है तो इट स्लैश डाउन इट यानी इसको बाजू से मार के नीचे गिरा देता है तो इसलिए इसको बियरिश कहता है और जो बुल है वेन इट हिट्स इट्स प्रे उसको अपने हॉर्न से सींगों से उठा के ऊपर फेंक देता है तो वो बुलिश सेंटिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है तो ये एक बियर इज़ देंटीमेंट एग्जाम्पल अगर इस वक्त स्टैंड पुअर मार्केट जो है वो करंट लेवल पर क्या है एंड वी एक्सपेक्ट कि इसमें आगे फॉल आना है या के एस सी हंड्रेड की बात करें अगर हम एक्सपेक्ट करें कि इसमें फॉल आना है तो देन दैट विल बी रेफर टू एज अ बेरस सेंटिमेंट और हमारा होगा कि अगर इसे गिरना है तो वी शुड सेलेट एंड शॉर्ट सेलेट टू गन आउट ऑफ इट स्प्रेड क्या है स्प्रेड इज डिफ्रेंस बिटवीन बेड एंड आस और उस में जितना बेचने वाला और खरीदने वाले में जो डिफरेंस है दैट इज नॉर्मली इज ये बैंक्स भी होता है डिफरेंट बाइंग सेलिंग जहाँ पे आ रही होती है वहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा होता है दैट इज व्हाट द ब्रोकर्स और डीलर्स विल बी गेनिंग आउट सपोज आपने डॉलर अगर खरीदने हैं तो रेट कुछ और होगा अगर आपने डॉलर बेचने हैं तो कुछ और होगा वो जो डिफरेंस है दैट इज स्प्रेड एग्जाम्पल इफ बिट ऑफ अ स्टॉक इज नाइनटीन एंड आक इज ट्वेंटी जो सेलर है वो कह रहा है मैं ट्वेंटी का खरीदना बेचना चाह रहा हूं और जो बिल्डर है जो खरीदने वाला है वो मैं कह रहा है कि मैं नाइनटीन तो इनका जो डिफरेंस है, है फिर इनकी आपस में मैचिंग होती है ट्रांजेक्शन इज लॉ स्ट्राटी स्ट्राटेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेरी फुल फ्लैज लर्निंग इज बिंग डन पूरी थे इसमें प्लान और एक्शन डिजाइन टू अचीव अ लॉन्ग टर्म एम जो हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम जो एक डिवाइस करते हैं प्लान दैट स्ट्रैटी इट इज़ एक्शन दैट मैनेजर टेक टू अट एम और मेन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कैन ऑल्सो भी डिफाइन जर्नरल डायरेक्शन ऑफ कंपनी बिजनेस के ये हमारी किस पाथ में हमने जाना है ये उसको स्ट्रैटी जो है वो उसको ड्राइव करी होती है डिटर्मिन करी क्लबिंग दीज वी एयर स्प्रेड स्ट्रैटेजी एंड ऑप्शन स्ट्रैटी इम्प्लीमेंटेड बाय इन्वेस्टर हु इज माइल्डली बेरिश यानी कि उसका सेंटिमेंट मार्केट में ये है कि इसने घिरना है एंड वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल मिनिमाइजिंग लॉसेज वो चाहता है कि लॉस भी बहुत ज्यादा ना हो और उसमें से इस सेंटिमेंट की एक्सपेक्टेशन से वो गेन करना चाहते हैं और मकसद जो है वो अगेन प्रॉफिट है तो वो सिक्योरिटी की डिक्लाइनिंग में भी वो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं दैट द मेन स्पिरिट इट इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ आदर पोर्ट्स और कॉल्स या हम ऑप्शन की बाइंग सेलिंग इस तरह की करना चाहते हैं जिसके थ्रू हम गेन करें और उसकी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस डि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि वेन थिंग्स मूव इन आर एक्सपेक्टेड डायरेक्शन वी विल गेन द मेन इम्प फॉर इन्वेस्टर बी एस स्ट्रेटेजी दे एक्सपेक्ट अ डिक्लाइन जो उनकी जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो ये है कि वो फॉल देख रहे हैं और उस फॉल को मटेरियलाइज करके उसमें से ये गेन करना चाह रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं इट इज मोस्ट कॉमनली कंस्ट्रक्टेड बाय सेलिंग अ कॉल विद अ लो स्ट्राइक प्राइस एंड अ कॉल विद अ हाई स्ट्राइक प्राइस लेट मी कम अगेन सेलिंग अ कॉल विद अ लो स्ट्राइक प्राइस एंड बाइंग अ कॉल विद अ हाई स्ट्राइक प्राइस इस पर घबराना नहीं है लेकिन सिंपल वर्ड मोर एंड मोर फिगर्स विद इट हम उसको फिगर्स डाल के एलिस्ट्रेशन करेंगे दैन वी विल बी लर्निंग मोर आउट ऑफ इट और स्टॉक प्राइस फॉल यूल कीप द प्रीमियम फ्रॉम द रिटर्न कॉल नेट ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रीमियम जो आपने पे किया उसमें से जो जितना आपने रिसीव किया नेट बी गेनिंग आउट ऑफ इट पर्पज इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शार्प इनक्रीज इन स्टॉक प्राइस मतलब आप राइट तो करना चाह रहे हैं लेकिन आप ये भी नहीं करना चाहे रिस्क लेना चाह रहे कि बहुत ही ज्यादा अगर बढ़ गई तो आपको फिर बहुत ज्यादा लॉस तो आप गेन करना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम अपने आप को सेफ गार्ड भी करना चाह रहे हैं इसको हम फिगर्स के साथ एलिस्ट्रेट करेंगे फर्दर बियर स्प्रेड इसमें दो मोड्स में हो सकते हैं एक बियर पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड तो दोनों पाथ के थ्रू हम अर्न कर सकते हैं दोनों का मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर होगा बट aim is to get the benefit from the fall in prices which we expect this is how it goes bugging amisko further with the help of figures amisco further learn out coming thank you